हाय एवरीवन, क्या बोलूँ मैं, गुड इवनिंग टू एवरीवन। जो दिन को देखेंगे मेरा व्लॉग उसे गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, और जो आफ्टरनून को देखेंगे गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सो आज बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो गया, लेट मी रिड्यूस इट। आज मैं बहुत थकी हुई हूँ, इन्विजिलेशन था, लेकिन मेरे स्कूल के कुछ कोलीग्स, मतलब जो कोऑर्डिनेटर हैं, वो बहुत शी वॉज काइंड इनफ टू अलाउ मी टू कम अ लिटल अर्लियर दैन द अदर टीचर्स, जिनको बाकी ड्यूटी इवेल्यूएशन का ड्यूटी भी मिला था। सो यहाँ मेरी बेटी बैठी हुई है, ड्राइंग देखे जा रही है। मुझे कोई टाइम नहीं मिला कि मैं म्यूज़िक प्रैक्टिस करूँ, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत हेक्टिक हो चुकी है। ओ आ गई। मुझे कलर चाहिए। अभी कलर्स का क्या करोगी बताओ, व्हाट्स द यूज। हाँ, मेरी लाइफ बहुत हेक्टिक हो रखी है, क्योंकि स्कूल का काम, देन घर का काम, मेड यहाँ मुश्किल से मिलता है, कोई मेड टिकती नहीं है। आई डोंट नो क्यों नहीं टिक पाती है यहाँ पे कोई मेड, किसी को करने ही मन नहीं है काम। खैर, उन्हें शायद पैसे की इतनी ज़रूरत ना हो, इसलिए कंटिन्यूस किसी के घर में नहीं करना चाहती हूँ। खैर, मैं ये कहना चाहती थी कि मेरी लाइफ इतनी हेक्टिक हो रखी है अभी कि मैं म्यूज़िक नहीं प्रैक्टिस कर पा रही हूँ, मुझे बहुत गिल्टी फीलिंग होती है। तो एक गाना जो मैंने सोचा तो था कि ट्रैक के साथ रिकॉर्ड करूँ, हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी म्यूज़िक बज रहा है। मैं क्या गाना चलाऊँ, क्या रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि इसको छोड़ के कहीं और करूँगी तो ये आ ही जाएगी मेरे पीछे पीछे मम्मा मम्मा करते हुए, तो कोई फ़ायदा तो है नहीं। राजवीर भी अभी थोड़ा सा हाउस होल्ड वर्क में बिजी है, सो अब तक ये एनी के साथ था जब मैं कर रही थी, अभी ये कर रहा है तो मैं एनी के साथ हूँ। ऐसे ही कट रही है हमारी ज़िंदगी, हैशटैग रियल लाइफ। ओके, सो एक गाना जो कि मैं, अगेन वन ऑफ माई फेवरेट्स, मेरे बहुत सारे गाने फेवरेट्स हैं, तो अगर मैं ये रिपीट करूँ ये फ्रेज वन ऑफ माई फेवरेट्स, तो ये प्लीज़ डोंट माइंड मी रिपीटिंग दिस, बिकॉज यू नो बीइंग अ सिंगर, मुझे तरह तरह के गाने सुनने पसंद है, तरह तरह के गाने मुझे पसंद आते हैं, क्योंकि उनको गाने में भी मज़ा है, सुनने में भी अच्छा लगता है। तो एक गाना है जो कि साथिया मूवी का है, साथिया मूवी विवेक ओब्रॉय और रानी मुखर्जी जिसमें थे जिस मूवी में थे, और ये गाना जिन्होंने गाया है वो बहुत अमेजिंग सिंगर है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है बहुत अंडररेटेड भी हैं, क्योंकि उनको उनके टैलेंट के हिसाब से रिकग्निशन नहीं मिला। वो है साधना सरगम, और जो लिरिसिस्ट हैं गुलजार जी हैं, वो तो अमेजिंग हैं ही, और जो कंपोज़र हैं वो है एआर रहमान। तो एनी आ गई है यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं गाऊंगी, कोशिश करूंगी गाने की। ओके, दोस्तों से झूठी मोटी दूसरों का नाम लेके फिर मेरी बातें करना, यारा रात से दिन करना, लंबी जुदाई तेरी बड़ा मुश्किल है, आँखों से दिल भरना, यारा रात से दिन करना, कभी ये पूरी होगी दूरी ये पूरी होगी, कब ये पूरी होगी दूरी ये दूरी होगी, रोज सफर करना, यारा रात से दिन करना, चुपके से रात के चादर तलिए, चाँद के भी आहट ना हो, बादल के पीछे चलिए,
जले कतरा कतरा, गले कतरा कतरा, रात बिना हिले आधी आधी, रात बिना हिले आधी आधी, चुपके से लग जा गले रात की चादर तले। सॉरी, मुझे यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि एनी जो है अटेंशन मांग रही है और इसे अटेंशन देना मेरी प्रायोरिटी है, तो क्योंकि और कोई है भी नहीं, मुझे और राजवीर को मैनेज करना पड़ रहा है तो देना ही पड़ेगा। आई एम सॉरी। यू वांट टू टॉक? से हाय पीपल, से हाय एवरीवन। से इचिंग हो रहा है कहाँ पे, पैर में? से हाय एवरीवन, से हाय एवरीवन, से आई एम गोइंग टू ईट एंड गो टू बेड। गो टू बेड? नो, से प्रॉपरली, से इट प्रॉपरली। आई एम गोइंग टू ईट इट नो आई एम गोइंग टू ईट आई एम गोइंग टू ईट एंड गो टू बेड। गो टू बेड, ओके फाइन। चलो फिर कल मिलते हैं। आई होप कि आप लोगों को ठीक ठाक ही लगा होगा ये गाना। जैसा भी लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता तो चले अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है ना, क्योंकि व्यूज़ तो फिर भी आ जाते हैं लेकिन लाइक्स और कमेंट्स का समझ में नहीं आता। ओके बाय, सी यू, गुड नाइट, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, बाय बाय।